जिस डिजिटल इंडिया का दम भरा जा रहा था उससे आम आदमी कितना बेदम हो रहा है उसकी वानगी जरा आंख कान खोलकर देख और सुन लीजिए। खाते में पैसा होते हुए भी ये परिवार पैसे पैसे को मोहताज है। बेटे के साथ फेरे होने वाले हैं, बारात जानी है, कपड़े गहने खरीदने हैं, लंच डिनर का इंतजाम करना है, लेकिन हाथ खाली है। दिक्कत है, जैसे अभी हमने किराने का सामान लेना है, उसको हमने कहा कि उधार दो, हम बाद में पैसा पेमेंट करेंगे जब पैसा मिलेगा। तो मानो बेटी की शादी ना हुई, पिछले जन्म का कोई पाप हो गया। इस वक्त इस परिवार में खुशियों की बारिश होनी थी, जश्न होना था, दावत होनी थी, लेकिन यहाँ दर दर भटकने की नौबत हो गई। अपना पैसा बैंक में अटका है और दूसरों के आगे हथेली फैलानी पड़ रही है कि भाई चंद हजार दे दो ताकि परिवार की इज्जत आबरू बच सके। बिहार के दरभंगा का ये शहरी परिवार आज इस बात पर पछता रहा है कि वक्त रहते इन्होंने भी नकदी की जमाखोरी क्यों नहीं कर ली। जरा यूपी के इटावा का हाल देख लीजिए। भावी दूल्हे को शादी के मंडप की जगह एटीएम के साथ फेरे लगाने पड़ रहे हैं। शादी है घर में मेरी खुद की, आपकी शादी है? जी, सबकी शादी है। आज ही है? आज की शादी है जी। कैश मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है। बिहार के भोजपुर जिले के इस परिवार की हालत देखिए। बेटे की शादी है लेकिन सारे रस्म रिवाज ठीक ठाक तरीके से संपन्न हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हाथ नकदी से खाली है। बैंक से कैसे नहीं निकल रहा है? नकदी का यह संकट साई की तरह राजधानी दिल्ली की तरफ आ पहुंचा है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में ये परिवार शादी के वक्त नकदी की तंगी से जूझ रहा है। लड़की की शादी घर में है और हर इंसान को कैश देना पड़ता है। ऐसी तमाम कहानियां देश के अलग अलग शहरों से आ रही हैं। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।